आज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ रोल पराठा, जो आप लोग प्रोफेशनली बहुत सारे रेस्टोरेंट से आप लोग खाते हैं, बिल्कुल वही सेम। लेकिन उसके लिए वही चीज़ें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप वही चीज़ें और वही टिप्स फॉलो किया करें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले पराठे के लिए हमने डो बनानी है। 200 ग्राम मैंने लिया है मैदा और 100 ग्राम मैंने लिया है आटा। आटा नॉर्मली जो आटा घर में यूज़ करते हैं आप लोग वो यूज़ करें, ठीक है। 2 कप ले लेंगे और 1 कप ले लें मैदा। 2 कप मैदा, 1 कप जो है आपने आटा लेना है। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़रूरत आपने इसमें नमक ऐड कर देना है और 170 ml जो है आपने इसमें पानी डाल के इसको गूंदना है। उसको पहले यहाँ मिक्स करेंगे, फिर हमेशा की तरह इसको टेबल पर डाल के अच्छी तरह गूंदेंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने पानी ऐड किया है वो नीम गर्म पानी ऐड किया है, तो आप लोगों ने नीम गर्म पानी ऐड करना है। वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा इसके जो पराठे बनते हैं ना रोल पराठा, उसकी डो में नीम गर्म पानी यूज़ करना है। देखिए ये हो गया, अब इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। चलिए, ये हमारा ये रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे रेस्ट होने के लिए। जब तक कि हम चिकन वगैरह बनाएंगे तो इसको रेस्ट मिल जाएगी। इसको ऑयल लगा के इसको कवर करके किसी चीज़ से रख देना है आपने। देखिए, अब चिकन जो है ना, हम इसको पहले मेरीनेट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नमक हसबे ज़रूरत, वैसे वही ये 1 टीस्पून है, और क्रश की हुई हरी मिर्च 1.5 टीस्पून, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है 1 टी स्पून है, दोनों 1 टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून लहसुन का, ये 2 टीस्पून हो गए। काली मिर्च 1/2 टीस्पून, दक्षिणी मिर्च 1/2 टीस्पून और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया दही, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें चिकन मैंने 250 ग्राम लिया है, 1 पाव के करीब लिया है, और इसको जूलियन स्टाइल में आपने काट लेना है, ठीक है, या फिर अपनी मर्जी से छोटे छोटे क्यूब भी कर लें आप इसके। ये 2 से 3 टेबल स्पून आपने डालना है ऑयल। जी, ये देखिए हमारी चिकन रेडी हो गई, आप फ्लेम ऑफ कर देंगे जी। इसको स्मोक देंगे हम, इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया करें। अच्छा जी, इसके लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे हमने, और ये इसमें जाएगा पुदीना, धनिया, 3 जो है हरी मिर्च। अच्छा जी, लहसुन जो है वो मैं इसमें पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, अपने 3 से 4 पीस जो है ना अपने लहसुन के इसमें ऐड करना है। अच्छा जी, 1 पाव मैंने लिया है दही, ठीक है, और इसमें हसबे ज़रूरत इसमें मैं ऐड करूँगा नमक, और ये हमने जो पेस्ट बनाया है इसका, ये इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। देखिए जी, हमारी ग्रीन चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा जी, अब ये है पेस्ट बना रहा हूँ, इसमें मैंने मेयोनेज़ लिया है, मैंने 2 टेबल स्पून मैंने मेयोनेज़ लिया है, 2 से 3 है, और इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस जो है वो इसमें ऐड करके इसको मिक्स करूँगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। देखें, ये भी रेडी हो गया, हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई और हमारा पेस्ट भी रेडी हो गया। अब आते हैं हम पराठे रेडी करेंगे। देखिए, पेड़ा जो है आप कम से कम इसका 110 ग्राम का आपने रखना है। देखिए, ये पेड़े बना के रख देंगे। अच्छा, साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा चाहिए साइज़ में, तो आप इसको 80 ग्राम का भी रख सकते हैं। ऑयल लगा के 5 मिनट तक के इसको छोड़ देंगे। देखिए, ये इसको 5 मिनट हो गए, अब हम इसको अपने हिसाब से बेलेंगे। इसको सिंपली रखना है, इसको कोई तह वगैरह नहीं लगानी होती, ठीक है। हल्का सा आपने ऑयल डालना है। अच्छा जी, ये देखिए, इसकी हमारा पराठा रेडी हो गई। अच्छा, आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल का जो है ना यूज़ ज़्यादा करना है। चलिए जी, हमारे पराठे रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पेस्ट लगाएंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है। अब क्या करना है, हल्की सी जो है ना हमें चटनी लगानी है इस पर। क्या करेंगे, चिकन की फिलिंग जितनी भी आपको रखनी है आप उसी हिसाब से अपनी चिकन यहाँ रखें। अच्छा, इसमें चाहें
तो आप लोग वैसे इसमें होती नहीं, ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप प्याज टमाटर वगैरह जो भी है अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बगैर उसके खाइएगा और इस बगैर इसके बनाइएगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। क्या करना है कि आपने इसको ऐसे रोल कर लेना है, ऐसे रोल करके और फिर बटर पेपर में आपने इसको वो करना, फोल्ड कर देना। ये देखिए ये बटर पेपर आपने लेना है, बटर पेपर में आपने इसको ऐसे डाल दिया, इसको रोल करके और ऐसे देखिए ये हो गए। इसी तरीके से हमने बाकी भी बना लेने हैं, ठीक है, और ताकि मैं सिर्फ एक ताकि दिखा सकूँ आप लोगों को एक, और बाकी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है जी, हमारे चिकन रोल पराठा जो है वो रेडी हो गया है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।